एंड गाइस, थोड़ा सा प्रोग्राम में ना थोड़ा सा चेंज हो गया है, बारिश हो गई है जिसकी वजह से हमारी अंगीठी में जो कोयले थे वो भीग गए, तो आज तिक्का नहीं बन सकता, तिक्का इंशाल्लाह बनाएंगे कल। तो आज हम लोग टी, तो आज राशिद लेकर आए हैं जिंगर बर्गर, ब्रोस्ट और ये शॉर्मा और बाकी इसके साथ जो ये आज हमारा डिनर होगा ये, ठीक है? यू हैप्पी? हृदय का फेवरेट फूड है सारा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, ये राशिद के जो चप्पल में लेकर आई थी वो उनको अच्छी नहीं लगी, इसको चेंज करवा के वो लेंगे शूज़, ठीक है? और यहाँ पे ना राशिद आज इनमें से कोई एक टी शर्ट पहन लो, ये वाली ग्रे वाली पहन लो राशिद, ये वाली टी शर्ट पहन लो, ये वाला कैप भी लगा लो, ठीक है? ये कैप लगा लो, अभी धूप है ना बाहर, खत्म हो जाएगी आपसे। अच्छा चलो सही है। यहाँ इंडियोर का बिल आई होप कि ये चेंज कर लें, क्योंकि 13 तारीख का मैं लेकर आई हुई हूँ और आज पता नहीं कौन सी तारीख हो गई है, तो 15 डेज का टाइम है, आई होप कि कर लें बस। देखो राशिद की शर्ट टोन दिख रही है आपकी। और ये देखो थोड़ी बहुत भी हमारे हैदराबाद में भी है, लेकिन थोड़ी बहुत ही है, वो भी नहीं तो भाई साइड लतीफाबाद साइड पर ज़्यादा है। अभी हम लोग जा रहे हैं 4 नंबर की तरफ, लतीफाबाद नंबर 4, जहाँ पे है दराज का ऑफिस, हैदराबाद दराज का ऑफिस है लतीफाबाद नंबर 4 में। तो वहाँ मुझे कोई दराज का प्रोडक्ट रिटर्न करवाना था जो कि सही नहीं आया, और मैं भी ना आप लोगों को उसी चीज़ के रिव्यूज़ देती हूँ जो कि बिल्कुल सेम आती है। हो रहा सामने वाइट गेट, इसके अंदर एंटर होंगे तो दराज का ऑफिस भी आएगा और काफ़ी सारे ऑफिसेज भी हैं अंदर। पानी देखो कितना भरा हुआ है, क्योंकि कल रात ही जो है वो बारिश हुई है। देखो हर किसी को ना यहाँ पे एंटर होने की परमिशन नहीं होती। अंदर एंटर होने के बाद रहा हमारा दराज ऑफिस, और वो प्रोडक्ट सही नहीं आया था तो उसको रिटर्न करवाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। अब हम पहुँच गए हैं एंटीओर पे, और अब यहाँ पे हम अपना चेंजिंग वाला काम जो है वो करवाएंगे। ये वाला ले लो, अच्छा है। अच्छा वो रिटर्न तो कर दिए हैं, अब हम नेक्स्ट चेक कर रहे हैं कि अभी क्या लेते हैं, क्योंकि राशिद को लेना है शूज़, तो अभी वही सिलेक्ट कर रहे हैं कि कौन सा शूज़ लें। ये अच्छा लग रहा है? नहीं पता नहीं, आप पहनना आपको, या आप देखो कामी मामू पहनते हैं ऐसे, अच्छा लग रहा है हैं, तो ये ले लो बस। थोड़े जोकर्स टाइप लो ना। हाँ मुझे ये अच्छी लग रही है, पहन के तो देखो। हाँ कैसी है, कंफर्टेबल है? छोटी है लेकिन साइज तो मिल जाएगा ना, लेकिन आप देखो डिजाइन वगैरह अच्छा है। फिर अच्छी है, मुझे तो अच्छी लगी। वो शूज मुझे अच्छा नहीं लग रहा जो आपने अभी सिलेक्ट किया था ना, वो अच्छा था। शूज देख लेते हैं। देखो ना ये वाला शूज़ जो है हमने फाइनल किया है, और पहनने से भी बहुत अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल है, बस यही कर लेते हैं फाइनल बस, और पहनने में सही है। हाँ। चलो बस इसको फाइनल करो। हियर इज माय फुल लुक, ये देखो, और ये भी चेंज हो गए हैं। अब हम जाएंगे घर। क्या हुआ, कुछ और भी पसंद आया? ये लेना है क्या, ये वाला ले लें। तो ये है ऑटोबान रोड, जहाँ पे सारे ब्रांड्स आपको मिलेंगे, सारे ब्रांड्स के आउटलेट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा फिर होता है बॉलीवुड मॉल में, उनकी दो दो ब्रांचेज होती हैं, एक आउटलेट आपको ऑटोबान पर मिलेगी और दूसरी आउटलेट जो है वो बॉलीवुड मॉल में मिलेगी। बट ये है कि यहाँ की आउटलेट जो होती है वो ज़्यादा बड़ी होती है, और यहाँ की आउटलेट में ज़्यादा अच्छी वैरायटी होती है। ये है हैदराबाद का डिफेंस एरिया, और देखिए निकलो बाप तो कर लो, पूछ तो लो कैसे हैं। कैसे हो? मैं ठीक हूँ। मैं तो ठीक हूँ।
अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो अभी हो गया है सेकेंड डे और शाम का टाइम हो रहा है, 5:30 बज रहे हैं और इस वक्त मौसम इतना अच्छा हो रहा है। हमने अभी ना मैप में चेक किया है, जाम शुरू तक बारिश आ चुकी है। ठीक है, अभी चांसेस हैं कि हैदराबाद में भी इंशाल्लाह हो जाए, आई होप के हो जाए, क्योंकि पिछले 2 दिनों से ना रात में बारिश हो रही थी और रात की बारिश जो है ना पता ही नहीं चलती, मज़ा भी नहीं आता, तो छतें भी नहीं आते थे, इतनी बिजली कड़क रही होती थी। तो आज जाकर दिन में हैदराबाद में चांस बना है बारिश का, तो इस वजह से अभी हम लोग आए हैं ऊपर। मौसम चेक करो, मौसम पूरा बन चुका है बारिश का। ये देखो, क्लाउड्स ही क्लाउड्स, हर जगह आपको क्लाउड्स ही क्लाउड्स नज़र आएंगे। कोई ऐसा आसमान का हिस्सा नहीं है जहाँ पर क्लाउड्स ना हो। जी नहीं बेबी, बुरी बात, ऐसे बाहर नहीं फेंकते कुछ भी। और आप ज़रा छत भी, अच्छा हम नहीं फेंकना, ठीक है। और ज़रा छत को चेक करो, उस दिन मैंने आपको दिखाया था जब वॉश नहीं की थी, बस सफाई की थी, उन्हें पूरी छत जो है वो वॉश भी कर दी थी। पाइप अभी तक यहीं पड़ा हुआ है, अभी नीचे जाएंगे तो पाइप को ले जाएंगे, वरना ये धूप से ख़राब हो जाएगा। और देखो कितनी खूबसूरत हो गई पूरी छत। नहीं, राशिद ने और मैंने मिलकर पूरी छत जो है अच्छे से वॉश की थी, कोना कोना साफ हो गया है छत का, अच्छी छत अच्छी लगती है। सारा कबाड़ एक कोने में आ गया है। ये है हमारी डक, डक इसको डक कहते हैं ना। और गाइस देखो, और भूल गई क्या बोल रही थी, भूल गई, बाद में बताएगी, अभी भूल गई। गाइस 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 कह रही, मैंने कैमरा किया तो भूल गई कि क्या कह रही थी। तो ये है हमारी डक, ठीक है। इसके नीचे जो है ना हमारा वॉश बेसन है। बेबी यहाँ लिजर्ट्स होती हैं, पता है आपको, यहाँ नहीं घुसो, कॉकरोच लिजर्ट्स होती हैं बहुत सारी, ठीक है। मौसम जो है काफ़ी खुशगवार हो रहा है, काफ़ी अच्छा सा मौसम हो रहा है। और अभी आज हम लोग थोड़ी देर में करेंगे बारबेक्यू छत पर, वो भी मैं आपके साथ जो है शेयर करती रहूँगी। वही बारबेक्यू जो कि बर्थडे वाले दिन राशिद का कर रहे थे, बट बारिश की वजह से कोयले गीले हो गए थे तो फिर हम कर नहीं सके। अब इंशाल्लाह मौसम भी अच्छा है तो सोच रहे हैं कि यहीं पर छत पर जो है बारबेक्यू करें, क्योंकि उसी दिन से जो हमारी चिकन है ना वो मैरिनेट पर लगी हुई है, बट मौका ही नहीं मिल रहा था कि हम जो है बारबेक्यू कर सके। लेकिन जितनी अच्छी मैरिनेशन होगी ना उतना अच्छा जो है टेस्ट आएगा टिक्के का। हाँ मुझे पता है, हाँ आज यहाँ पे करते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो अभी राशिद जा रहे हैं कोयला और अंगीठी लेने, जब तक पता है आधा एक घंटा लग जाता है कोयले सुलगाने में भी, तो जब तक वो करते हैं उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम अपने टिक्के बनाना स्टार्ट करेंगे। रिदा नहीं, डैडी आएंगे, खोलो। ये देखो शरारत कर रही है, राशिद गए हैं तो जल्दी से कुंडी लगा दी। डैडी चीखेंगे, खोल के आओ जल्दी से। ये इसने बंद कर दिया था, रिदा ने, पिटाई कर दो इसकी। अभी ना ऐसा लग रहा है कि बारिश आज भी टल गई है, क्योंकि काफी तेज हवा चल गई है और यहाँ पे हमारी आग भी देखो किस तरह से कितना तेज तेज उड़ रही है। इसी से अंदाजा लगा लो कि काफी तेज हवा हो गई है। ये देखो सारे पेड़ पौधे कितनी तेज तेज हवा से हिल रहे हैं, ठीक है। तेज हवा चलती है ना फिर समझो बारिश टल गई। ये देखो रिदा कितनी तेज आग लग गई, देखो फायर लग गई। और इसको देखो कैसे बैठी हुई है। नहीं बोलते, बुरी बात खुद ही बुझेगा। ये देखो कितनी अच्छी लग गई है ना आग। ये तो और भी ज्यादा सामान लेकर आ गए, काफी भड़क चुकी है, अब नीट नहीं है और सामान डालने की। हाँ इतनी भड़क तो गई यार, डेंजरस हो सकता है इतना राशिद। बस कोयले डाल दो, अब मैं कह रही हूँ। देखो बेबी आप दूर हट जाओ। सबसे पहले कह रही है मेरा बाप भी ले जा, राशिद सबसे पहले कह रही है मेरा बाप भी ले जा। लो कितनी तेज हवा है राशिद, ये डेंजरस हो सकता है यार। पर
मेरे को लग रहा है आंधी आ गई है और पूरा रेडी हो गया है मौसम बरसने को, और बारिश आ गई फिर क्या करोगे? छोड़ के नीचे भाग जाएंगे। ये इतनी मेहनत जो की है सारी वेस्ट। मेरी नानी से दूर पे चोर आए था छत पे हैं और डंडा लेने दिया था। हम दरवाजा नहीं खोल सकते। चोर हो गया। अम्मी के घर जो चोरी हुई थी ना कुछ महीनों पहले, मैंने आपको बताया था वो वाली वीडियो, ये देखती रहती है जो कैप्चर हुई थी ना, चोर आया था कैसे आया था, वो बता रही है आप सबको कि नानी के घर छत पे से चोर आया था। तो अब हम लगाएंगे अपने टिक्कों को इन सीखों पर। रिदा सबसे पहले ये वाला लगाते हैं। हाँ मुंह दिखाओ अपना। हाँ दिखाओ, देखो कैसे लगाती हूँ मैं इसमें। ये देखो गाइस, एक टिक्का हमारा लग चुका है। ठीक है, इसको रख देते हैं यहाँ पर। और ये देखो डैडी क्या कर रहे हो? राशिद डैडी क्या कर रहे हो? फायर लग जाएगा, हम दूसरा लगाएंगे। हाथ गंदे हो जाएंगे, आराम से चलो। हाथ तो गंदे होने ही है ना बेबी। और मौसम इतना प्यारा सा है ना, ये ना इतना हैवी है कि ये एक सीख में ना लग ही नहीं रहा है। ये देखो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसको किस तरह लगाऊं, अनबैलेंस हुए जा रहा है। अब बैठे, अब ठीक है थोड़ा। ठीक है तो ये लगा लूं। मम्मी जी देखो ये वाली बोटी रहती है। हाँ ये वाली आप ले लेना। ठीक है हाँ। रिदा को और मुझे ना ये थाई पीस अच्छा लगता है, और राशिद को ना चेस्ट पीस। मम्मी मैं खाऊंगी पूरा ये, मैं पूरा मैं खाऊंगी। ठीक है ये आप खा लेना पूरा। चलो ये भी लग गया, रेडी हो गए राशिद, ले जाओ। चलो अब जो है एक रख दिया है, और आज हम ना दो जगह हमने आग प्रिपेयर किए क्योंकि ये टिक्के आज ज्यादा है, तो दो जगह बनेंगे तो सारे एक साथ जल्दी रेडी हो जाएंगे। तो आज हम लोग ना छत पे बारबेक्यू इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लास्ट टाइम हमने अपने घर में किया था, तो काफ़ी दिन तक ना स्मोक घर में, पूरे घर में रहा, कपड़ों में, रूम में, पूरे घर में ना स्मोक रहा था काफ़ी दिनों तक। तो आज मौसम भी अच्छा था तो फिर हमने कहा कि छत पे करेंगे ताकि ये धुआं जो है ना ऐसे ही चला जाए, घर में ना आए। हमारा जुगाड़ चेक करो, इस वाली पे ना ये टिक्के जो है ना हमारे वो कोयले को टच कर रहे थे, तो फिर राशिद ने ईंटे रखकर उस पर सेट किए। कैसे कैसे जुगाड़ लाते हो राशिद आप, उस वाले को तो चेक करो वो ना जल जाए। वो अच्छा है, सही है वो, ये तेज है। और रिदा को चेक करो, रिदा अपनी ही मस्तियों में लगी हुई है। क्या कर रही हो आप? टॉम टॉकिंग टॉम से खेल रही हो। एक जो है वो दिखाना रेडी हो गया है, उसको अभी हम टेस्ट करके बताएंगे ये कैसा बना है। बनना है बस ये है कि ये अंदर से गल गया हो। राशिद एंड मैरिनेशन हुई इसकी, एंड पिछले वाले की इतनी अच्छी मैरिनेशन नहीं थी वो आपने की थी, इस बार मैंने मसाले बहुत अच्छे तेज डाले, बहुत अच्छा बना है। बस ये कि थोड़ा और सिक जाए ना तो अंदर तक से गल जाएगा, वरना अंदर से फिर ब्लेडिंग निकलती है इसमें से। और ये जो है ना ये पूरा एक चिकन लिया था राशिद ने, ठीक है, और उस एक चिकन के चार पीस करवा लिए थे। अब ये देखो काला को वो भी आके हमारे घर पे कैंके कर रहा है। कौन सा मेहमान आने वाला है हमारे घर जो यहाँ के हैं? नंगा मेहमान। नंगा मेहमान, नंगा मेहमान है, कौन सा मेहमान? नंगा मेहमान। यहाँ पे नहीं करो, यहाँ पे कोई नहीं मेहमान आने वाला, अभी उड़ जाओ उड़ जाओ उड़ जाओ उड़ जाओ उड़ जाओ। नहीं उड़ा राशिद, वो काई काई भी नहीं कर, बाकी में उड़ गया। मैंने एकदम वीडियो बंद की ना जैसे ही फौरन से उड़ गया। टेस्ट करके बताएगी कैसा है, खा भी लो, रखो मुंह में। अच्छा यम्मी है। ये बन रहा है मेरा, ये वाला आपका है। एक रेडी हो गया है जो हमने हॉटपॉट में रख दिया, उसी में से मैंने रिदा को टेस्ट करवाया। ये वाला है, ये मेरा, ये वाला है, ये वाला, ये वाली बोटी रिदा की होती है। आप कमेंट्स में बताओ कि ये वाली बोटी कौन सी होती है जिसे रिदा कहती है वाली, ये वाली बोटी कौन सी होती है? ऐसे ऐसे वाली बोटी, ठीक है, आपने कमेंट्स में बताना है कि ये कौन सी। पहले बताती हूँ अंकल कैसे बनाते हैं। देखो पहले बोटी चिपकाई है, उस पे बोटी चिपकाई है और उस पे और बना दिया, और उससे फिर जो नए नए आइटम
तो दे देंगे पैक करके। अच्छा ऐसे बनाते हैं अंकल। अच्छा बता रही थी अंकल। और कैच करना है। कैच करना है और खाना है। और खाना है। चलो मैं दिखाती हूँ। दिखाओ इसको। ये देखो एक बन के बैठ गया। ये मैं खाऊंगी। ठीक है चलो अभी सब साथ खाएंगे ना फिर खाना। चलो सही है गाइस। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टिक्के रेडी हो गए हैं और यहाँ पे चेक करो बारिश भी स्टार्ट हो गई है। मतलब टाइमिंग चेक करो, मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह टाइमिंग देखो। हमारा काम भी हो गया और फिर उसके बाद जो है अब बारिश होना स्टार्ट हुई है। लेकिन ना मगरिब हो गई है तो यानी आज भी जो है बारिश अब रात में ही होगी। हम इंजॉय नहीं कर पाएंगे बारिश को। चलो चलो उठाओ राशिद, बस अभी इसको निकाल लो तो अपन नीचे चले। रिदा रखो नीचे। गाइज यहाँ देखो जरा तेज होती जा रही है बारिश जो है, तेज तेज बूंदे आ रही हैं। और मैं आपको एक चीज दिखाऊं, हमारी छत से ना बॉलीवुड मॉल दिखता है। मैं आपको दिखाती हूँ, रुको अभी देखना। ये देखो वो रहा बॉलीवुड मॉल, वो रहा देखा। ये देखो हमारी छत से मॉल दिखता है। ये देखो गाइस हमारे टिक्के जो हैं वो बनके रेडी हो गए थे और उस टाइम थोड़ी बारिश हुई थी लेकिन फिर वो भी नहीं हुई, वो भी रुक गई थी। और माशाल्लाह इनका लुक देखो और टेस्ट भी बहुत अच्छा आया है। टेस्ट करके मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। और साथ में मैंने बनाई है चपातियाँ, ठीक है। राज ने कहा बिल्कुल बाजार जैसी ना चपातियाँ बनाना, तो मैंने साथ में बनाई हैं ये चपातियाँ। साथ में है हमारा रायता हरी मिर्चों का और पुदीने का, और यहाँ पे प्याज और कुकम्बर। चलो